एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर स्वर्णा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्वर्णा होम्योपैथी में। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब शुरू होता है तब लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यूटीआई हुई है और कुछ लोग इसे ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ा सा बर्निंग ही तो है, थोड़ा सा इचिंग ही तो है, पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार जब यूटीआई हो जाए तो सिर्फ पानी पीना इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। और जब बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद भी यूटीआई ठीक नहीं हो रही तब लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, अब डॉक्टर कंसल्टेशन लेनी ही पड़ेगी। आज मैं आपको इस वीडियो में यूटीआई के कॉजेज, यूटीआई के सिम्टम्स और होम्योपैथी में यूटीआई को आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूटीआई क्या है? यूटीआई बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरेथ्रा, ब्लडर और किडनी में होता है। बैक्टीरिया एनस से यूरेथ्रा के थ्रू स्प्रेड होता है। फीमेल यूरेथ्रा का लेंथ शॉर्ट होने की वजह से पुरुषों की तुलना महिलाओं में हम यूटीआई के केसेस ज़्यादा देखते हैं। पानी कम पीने से, ज़्यादा देर यूरिन को होल्ड करके रखने से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से यूटीआई स्प्रेड हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज़ है, उन्हें भी यूटीआई हो सकती है। पोस्ट मेनोपोजल वुमेन को भी यूटीआई हो सकती है। यूटीआई के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई हुई है? तो यूटीआई का सबसे पहला और सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। पेशाब करते वक्त आपको बहुत जलन होगी, पेन ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर यूरिनेशन, इचिंग रहेगी, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन यानी कि आपको बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, पेन इन लोअर एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन में दर्द रहेगा, ऑफेंसिव स्मेल रहेगा आपकी यूरिन पे। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो गई हो तो फीवर के केसेस भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिससे आप यूटीआई को ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में यूटीआई के लिए सिर्फ एक या दो मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन सिलेक्ट किया जाएगा पेशेंट के सिम्टम्स को देख के। पर कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि यूटीआई के केसेस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमनेस्ट मेडिसिन है कैंथरिस। कैंथरिस तब दिया जाता है जब पेशाब के दौरान बहुत तेज़ जलन होती हो, एक कटिंग पेन रहती हो और आपको बहुत अर्जिंग रहती हो यूरिनेशन के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस। एपिस पेशेंट को तब दिया जाता है जब यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलती हो और एक बहुत ही तेज दर्द रहती हो। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बरिस वल्गरिस। ये मेडिसिन तब दिया जाता है जब पेशेंट को किडनी रिलेटेड इश्यूज रहती है। खास करके किडनी स्टोन के केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ही सीवियर पेन रहता है और पेन ज़्यादातर राइट साइड में होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है टेरिबिंथ। टेरिबिंथ पेशेंट को तब दिया जाता है जब पेशेंट के पेशाब में बहुत ही ज़्यादा बदबू और खून निकल रही हो, तब आप होम्योपैथी मेडिसिन टेरिबिंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में यूटीआई के लिए और भी बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि सरसापेरिला, पेट्रोसिलिनम, स्टेफिसेग्रिया जैसे बेहतरीन मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप बिना प्रॉपर कंसल्टेशन और डायग्नोसिस के कोई भी मेडिसिन अपने आप ना लें। आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये यूटीआई के लिए जो वीडियो बनाई है वो अच्छा लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें।